नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम। सो दोस्तों, मैं हूं रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। भाई हमेशा मैं आपके लिए कुछ ना कुछ गॉसिप्स और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आती हूँ, और आज भी मैं कुछ ऐसा ही लेकर आई हूँ। भाई फिल्म केदारनाथ में जब हमने सारा अली खान को देखा, भाई मैं तो तृप्त हो गई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है फिल्म। जितनी इंटरेस्टिंग है फिल्म में, जितना इमोशन है, लव स्टोरी है, काफ़ी अच्छी है। और साथ ही साथ जब सारा ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया है तो सारा की तारीफ भी बनती है। इसलिए आज मैं बात करना चाहूँगी सारा अली खान के लुक के बारे में। तो जितना आपने सारा अली को फिल्म के अंदर देखा है, वो काफ़ी क्यूट लग रही हैं, उनकी स्माइल पे मतलब कितने लड़के मरने वाले हैं, इवन लड़कियां भी, भाई ऐसा नहीं है। तो उनकी स्माइल जितनी प्यारी है और उनका लुक जो केदारनाथ में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मैं यहीं पर ही कुछ चीज़ें आपको पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि सारा अली खान जितना क्यूट दिख रही है, वो अपने कॉलेज के समय पर ऐसी नहीं दिखती थी। काफ़ी शॉकिंग है लेकिन यही सच है, क्योंकि जब सारा अली खान अपने कॉलेज के समय में थी तब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थी, बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, यानी कि 95 kg उनका वेट था। और इसका भी एक रीज़न था, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई वो शुरू से फिट नहीं रहना चाहती थी, वो फिट रहना चाहती थी, लेकिन उनको PCOD नाम की बीमारी थी जिसकी वजह से वो अपना वेट कंट्रोल वो नहीं कर पा रही थी। लेकिन भाई क्या कहने, जब किस्मत चमकती है और मेहनत को पुकारती है तो हर किसी को उसके आगे झुकना पड़ता ही है। तो ऐसा ही कुछ हुआ सारा अली खान के साथ में, जब केदारनाथ का उन्हें ऑफर मिला और उसके बाद में जब उनको अपने वेट पे काम करना पड़ा। काफ़ी मुश्किल है जब PCOD किसी भी लड़की को होता है, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपने वेट को कम कर पाना। लेकिन सारा ने बहुत मेहनत करी है और आज के समय में अगर आप उन्हें देखेंगे तो आप मतलब शॉक्ड रहेंगे कि वो पहले वाली सारा सच में वही थी और आज वाली तो भाई बहुत प्यारी लगती है। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने ऊपर मेहनत करी है और फिल्म में डेब्यू दिया है, जो कि काफ़ी सराहा जा रहा है, अभी उनकी फिल्म आने वाली है सिम्बा, भाई उसमें भी वो लाजवाब लग रही हैं। आप लोग ट्रेलर देख चुके हो, उनका गाना देख चुके हो, आँख मारे। तो मतलब जिस तरह से उनका करियर जा रहा है वो काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छे दो जैकपॉट उनके हाथ में लग चुके हैं, पहला केदारनाथ है और दूसरा सिम्बा। आपको क्या लगता है सारा अली खान के बारे में, क्या आप यकीन कर सकते हैं इस बात पर कि सारा कभी भी फैटी हो सकती है? भाई कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और ये भी बताइए कि सारा अली खान का आपको केदारनाथ में लुक कैसा लगा। और आगे की सभी गॉसिप्स के लिए बने रहिए मेरे साथ में बॉलीवुड स्पाई में।